एक अजब गजब घटना राजस्थान के उदयपुर से सामने आई है। उदयपुर के पंजाब नेशनल बैंक में एक महिला कस्टमर को लॉकर संख्या 265 आवंटित थी, लेकिन उसे कहां पता था कि उसके लाखों रुपयों को लॉकर के अंदर भी दीमक चट कर जाएंगे। जब महिला ने जाकर अपने लॉकर को खोला तो उसके अंदर रखे सभी नोटों की गड्डियां मिट्टी बन चुकी थी। यह सब देखकर कस्टमर चौंक गई और घबराती हुई बैंक कर्मियों के पास गई, लेकिन बैंक कर्मी भी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। दरअसल शहर के हिरण मगरी सुनीता मेहता ने अपने नाम से पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर लिया था। लॉकर में 2 लाख रुपए रखे हुए थे। पिछले साल मई माह में लॉकर को खुलवा कर देखा, लेकिन तब तक तो नोटों की गड्डी पूरी तरह से सुरक्षित थी। लेकिन बीते गुरुवार के दिन जब जरूरत पड़ने पर लॉकर को खुलवाया तो पता चला कि गड्डियों को पूरी तरह दीमक खा चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि बैंक मैनेजमेंट ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया था, इसलिए कैश को नुकसान पहुंचा है। मेरा नाम मनोज लोढ़ा है। मैं कल अपनी दीदी सुनीता मेहता, जिन्हें रेखा मेहता के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अपना लॉकर ऑपरेट करने आया था। दीदी का और मेरा दोनों का लॉकर अलग अलग है। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया और उसके बाद वापस उसे बंद कर दिया। दीदी ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट किया, वो एकदम शॉक हो गई कि पूरे लॉकर के अंदर दीमक लगी हुई थी। जब बंडल को देखा गया तो 10 के नोटों का एक बंडल था पूरा, जो 10 बंडल थे, 10 के नोटों का एक पूरा सेट होता है। उसको निकालने के लिए बैंक के अंदर से आदमी आया, उसने स्क्रू ड्राइवर और पेचकस के द्वारा उसको खरोंच के उसको निकाला है। 50 के नोटों का एक बंडल था, जो भी ऊपर से पूरा ख़राब दिख रहा था। एक थैली के अंदर 500-500 के 4 बंडल थे, 2 लाख रुपये। वो हमने फौरी तौर पर ऊपर से देखे तो ठीक लगा। हमने बैंक मैनेजर के पास में कंप्लेन करी कि ये 15,000 रुपये ख़राब है। उन्होंने कहा कि ठीक है, 3-3.5 घंटे हमें उसको भी चेंज करने के अंदर लगे। घर जाने के बाद जब हम लोगों ने ध्यान से उन नोटों को देखा जो 2 लाख रुपये थे, उसके अंदर भी पूरा दीमक लगा हुआ था। हमने बैंक मैनेजर से बात करी वापस, उन्होंने कहा कि सर ये इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसमें बैंक जो कार्रवाई होगी वो करेगी। और अभी हम लोग 2 लाख रुपए के वो नोट भी लेके आए हैं। हमने कहा हम 15,000 रुपए आपको जमा भी करा देते हैं पुराने जो आपने हमें दिए हैं, क्योंकि सारे नोटों के अंदर दीमक लगी हुई है। और इन्होंने अपनी चेस ब्रांच से एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है, वो सारे नोटों को एग्जामिन कर रहे हैं और 3 बजे उन्होंने हमें वापस बुलाया है। जो भी कार्रवाई होगी उसके आगे की वो 3 बजे बताएंगे। लॉकर के अंदर और भी सामान रखा है, उसके भी खराब होने की आशंका है, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से कर दी गई है। अब बताया जा रहा है कि बैंक के अंदर 20 से 25 ऐसे लॉकर हैं, जिनके अंदर दीमक लगी होने की आशंका है। बैंक कर्मी वक्त रहते अगर इसका समाधान कर देते तो लॉकर में रखे सामान तक दीमक नहीं पहुंच पाती, लेकिन बैंक कर्मियों के ध्यान नहीं देने की वजह से लोगों का नुकसान हो गया। पीएनबी के सीनियर मैनेजर प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि ग्राहकों के नुकसान की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और कस्टमर को दोबारा बैंक में बुलाया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैंक के अंदर सीलन आने की वजह से दीमक ने नुकसान पहुंचाया है,